हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की तरफ। एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान चटनी, जिसके लिए हमने मिर्च को ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था, ठीक है। और ये हमारे गार्लिक, लहसुन, और ये हमारा 2 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको इसमें हम डालेंगे पहले लहसुन। और एक बात याद रखिए, इसमें हमने काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, क्योंकि हमने ग्राइंडर में अपने काली मिर्च ग्राइंड करी थी, इस वजह से इसमें काफी हद तक है काली मिर्च, इसलिए हम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम देखिए दरदरा हम पीस लेते हैं लहसुन को। ये देखिएगा, इस हमने लहसुन को पीस लिया है, तो ये दरदरा हमारा हो गया है पेस्ट, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी हम अलग रखते हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारी मिर्च है जिसका दंथल तोड़ देंगे। और ये हमारी तीखी वाली मिर्च है, आप अगर तीखा कम खाते हैं तो आप आधी तीखी और आधी कश्मीरी कर सकते हैं, खाली कश्मीरी कर सकते हैं, हमने यही ली हुई है। तो इसके दंथल तोड़ेंगे इस तरह से और इसमें डाल के ग्राइंड करेंगे दरदरा। देखिए गाइस, अगर तीखा ज्यादा ना पसंद करते हो तो इस तरह से आप भिगोने के बाद भी ये देखिए बीज निकाल सकते हैं। ये देखिए निकल गए, तो इस तरह से सारे बीज निकाल दीजिए, ठीक है। और अगर कश्मीरी मिर्च आप थोड़े से बिना बीजों के मतलब रखिए, ठीक है। ये देखिए हमारी हो चुकी है, तो इसको हम ग्राइंड करेंगे। आवश्यकता अनुसार पानी की जरूरत होगी तो ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, इसी पानी को जरूरत इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए गाइस, देख सकते हैं पिस गया है, बट अभी थोड़ा सा दरदरा ज्यादा है, हमें इतना दरदरा नहीं, हमको थोड़ा सा और बारीक करना है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा 1 स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए इस तरह से 1 से 2 स्पून पानी ऐड करेंगे, फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से देखिए गाइस, इतनी दरदरी हमें मिर्च चाहिए, हमारी पिस चुकी है, चलिए बनाते हैं। ये देखिए गाइस, हमें 6 से 7 स्पून, ये नॉर्मल स्पून, 6 से 7 हमने डाला हुआ है ऑयल, हमने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ है, आप जो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। और देखिये हम चटनी जो बना रहे हैं वो सिर्फ 10 से 12 मिर्च की है, इस वजह से हमारी क्वांटिटी कम है। आप अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि तीखा जिस हिसाब से आपकी मिर्च हो, जिस हिसाब से आपका शेजवान चटनी के लिए मसाला हो, उसी हिसाब से आप ऑयल भी डालें, ठीक है। तो ये तीखे इसको होने देते हैं अच्छे से, फिर मिलते हैं। ये देखिएगा, ऑयल हो चुका है हमारा, ठीक है। तो अपने ये लहसुन ग्रेट किए गए वो इसमें हम डाल देंगे और इनको भून लेंगे, ठीक है, इस तरह से भूनते फिर। ये देखिएगा, लहसुन भून चुका है, तो इसमें अब हम ये ग्रेट की हुई अदरक डालेंगे। और एक बात, अगर लहसुन को आप ग्रेट करना चाहें ग्रेट भी कर सकते हैं, छोटा छोटा चॉप करना चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, मिक्सी में आप ग्राइंड भी करें, ठीक है। अब इसको हम फ्राई करेंगे, उसके बाद में अपनी आगे की प्रोसेस सिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए भून चुका है, तो अब अपने इसमें मिर्च मरिए ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इसको भूनेंगे अच्छे से, और अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक, तो जिस हिसाब से हमारी क्वांटिटी है उसी हिसाब से नमक ऐड करेंगे, ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें अब 1 चम्मच चीनी, इसके जो स्वाद को है बैलेंस करने के लिए 1.5 चम्मच चीनी, ठीक है, जैसे कि ज्यादा तीखी भी ना रहे और अच्छे से हो भी जाए, और थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए, ठीक है, हम रख सिरका। ये 2 स्पून देखिए गाइस, अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड करेंगे, भून चुका हमारा अच्छा। ये देखिए गाइस, हमारी शेजवान चटनी बनकर रेडी है, फ्लेम बंद करेंगे, देखिए कितनी जल्दी बन के रेडी हो गई है, देखिए, ठीक है ना। देखिए इसमें ना हमने कॉर्नफ्लोर डाला है, कोई भी चीज नहीं डाली, बट बहुत अच्छी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, और बिल्कुल लग रही है ना शेजवान चटनी मार्केट जैसी। और सो ये ऑयल आपको दिख रहा है ज्यादा सा, तो ऑयल इतना ज्यादा रखेंगे तो इसको हम 4 से 5 महीने आराम से यूज कर सकते हैं। ये सेल्फ लाइफ की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब हमारा ऑयल ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये रही हमारी शेजवान चटनी। और एक बात, इसमें हमने सोया सॉस नहीं डाला है, अगर आप सोया सॉस डालना चाहें तो जिस टाइम पर हम सिरका डालते हैं उस टाइम पर हम सोया सॉस भी डाल सकते हैं। ये देखिए, इसमें धनिया की स्टेंट यानी डंडियां डालनी है, खाली धनिया नहीं ऐड करनी है, धनिया की डंडियां डालनी है। अब इसको हम सर्व करते हैं, बन चुका हमारा।
ये देखिए गाइस, अब हम बच्चों के लिए चटनी बना रहे हैं, तो ये हमने दो टमाटर मीडियम साइज के ले लिए जिनको हम रफली कट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और कट करके हम इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। तो हम ग्राइंड करते हैं, फिर मिलते हैं आके। ये देखिए हमारा महीन ग्राइंड हो गया है, तो चलिए इसकी बच्चों के लिए चटनी बनाते हैं। ये देखिए मीडियम साइज की 2 से 3 स्पून हमने ऑयल ले लिया है, इसको होने देते हैं। देखिए ये हो चुका है, इसमें हम थोड़े से 4 मतलब 10-12 जीरा डालेंगे, 10-12 दाना, ठीक है, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे। और आप चाहे तो आप टेबल स्पून डाल सकते हैं, बट हम थोड़ा ही डाल रहे हैं। ये देखिए गाइस जीरा हो चुका है, तो आधा इंच अदरक का टुकड़ा इसको हम इसी में ग्रेट कर देंगे। ज्यादा नहीं डालेंगे अदरक, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तीखी भी नहीं ज्यादा करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। लास्ट में देखिए कि मिर्च भी नहीं डालेंगे, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा तीखी भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम भून लेते हैं। ये देखिए हमारी भून चुकी है अदरक, तो अभी हम पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, सारे का सारा डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे इसको, ठीक है। और एक बार अब इस टमाटर प्यूरी में हम सिर्फ अपनी ये शेजवान चटनी है, थोड़ी सी, बिल्कुल इतनी सी बस शेजवान चटनी डालेंगे और कुछ नहीं ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस थोड़ी सी शेजवान चटनी डाली, कलर चेंज हो गया बिल्कुल, ठीक है। और इस थोड़ी सी शेजवान चटनी से बच्चों के हिसाब से तीखा भी हो जाएगा और हो जाएगा। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, ये देखिए 1/2 टेबल स्पून नमक, या स्वाद अनुसार आप नमक कर सकते हैं। और इसमें क्या डालना है आप देखिए, इसमें ये हम डालेंगे इसको मीठा करने के लिए इसमें गुड़, ठीक है। तो ये हमारा 1 स्पून और 2 स्पून और ये 2.5 स्पून गुड़ था हमारा, ठीक है। तो ये देखिए 2.5 स्पून गुड़ था, इसको गुड़ डालते ही इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और सब कुछ। अब थोड़ा सा इसको खटास देने के लिए हम डालेंगे सिरका, ठीक है, तो 1 स्पून और ये रहा 2 स्पून, तो हमने 2 स्पून सिरका ऐड किया हुआ है इसमें, ठीक है। आप थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे हिसाब से आप खट्टा खाएं उस हिसाब से, ठीक है। तो इसको अब हम पकाएंगे अच्छे से, और ये देखिए बच्चों के लिए मीठा भी होगा और खट्टा भी होगा। अब देखिए सब कुछ डाल चुके हैं, अब ये अपना जिस मिक्सर के जार में हमने पीसा था टमाटर, उसमें देखिए ये पानी है 2 से 4 स्पून, तो ये ऐड करेंगे और अब इसको हम पकाएंगे गाढ़ा होने तक। देखिए इसमें हमने कुछ भी आरा रोड कुछ भी नहीं है हमने ऐड किया हुआ है, बट बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए इस सॉस को आप अच्छे से ढक के पकाइए, ठीक है, और इसको थिक होने तक पकाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से है, इसको अच्छे से पकाना है बिल्कुल, जैसे कि ये भी लंबे समय तक चल सके, ठीक है। तो इसको पकाते हैं। ये देखिए गाइस ये हमारा रेड फूड कलर है, तो इसको हम 2 पिंच थोड़े से पानी में ऐड करके थोड़ा और अच्छा, मतलब कलर हमारा अच्छा है बट थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए ये देखिए 2 पिंच खाली ऐड करेंगे और इसको घोल लेंगे और फिर हम अपना इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस चलाते भी रहिएगा वरना नीचे लग ना जाए। ये देखिए अभी इसका कलर है रेड, अच्छा है, बढ़िया है रेड है, बट थोड़ा सा और अच्छा सा हो जाए कलर, इस वजह से हमने ये कलर लिया हुआ है। 2 से 3 पिंच कलर था जिसको हमने घोल के पानी में और इसमें मिला दिया है, ठीक है। तो इसका रेडपन और अच्छे से आ जाएगा। तो अभी पकाते हैं, अभी हमारा कुछ पतला है। देखिए ये हमारी चटनी तैयार है, तो हम बंद कर देंगे और इसको चलिए सर्व करते हैं। अच्छी सी यम्मी सी चटनी, हमारी सेजवान चटनी और बच्चों के लिए टोमेटो सॉस। तो देखिए कितना प्यारा, इतना यम्मी। ये देखिए सेजवान चटनी का कलर देख लीजिए आप, और वही उसी जगह पर आप ये देखिए बच्चों के उसका कलर सॉस का। तो दोनों इतने यम्मी है, और दोनों ही ये भी, ये लगभग 1 महीने तक आप आराम से रख सकते हैं, और ये भी 2 से 3 महीने तक इसको दोनों फ्रिज में रखेंगे अच्छे से, तो बिल्कुल अच्छे से रहेंगे और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है। तो आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छे नाश्ते की आने वाली है, जिसके जो इन चटनियों के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।